बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, धमाकेदार रहा, और हो भी क्यों ना, आज के एपिसोड में धमाल ही ऐसा हुआ कि घर में पंचायत हो गई है और सरपंच बनी है कविता कौशिक, तो वही दो दोस्त रुबीना और जैस्मीन के बीच में दरार, एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हुई दिखाई दी, दोस्ती टूटी तो साथ ही साथ घर में बहुत सारे ड्रामे भी हुए, घर का बंटवारा हुआ तो घर में एक दूसरे का हिस्सा छीनने की भी बातचीत हुई, जो कि आज के एपिसोड को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है, एंटरटेनिंग बनाता है। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया, और चलिए बातचीत करते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत बड़े ही मजेदार तरीके से होती है और घर में बाकी चीजें कंटिन्यू होती हुई नजर आती हैं। लेकिन यहां पर होता ये है कि कप्तान कविता कौशिक को लेकर पति पत्नी मिलकर विरोध जताते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत करती है रुबीना दलायक और कहती है कि देखिए कविता जी, अब मैं खाना नहीं बनाना चाहती, मेरी ड्यूटी बदल दीजिए, किसी और को दे दीजिए। तो इस पर कविता ने कहा कि क्या ड्यूटी करना चाहेंगी, तो रुबीना ने कहा साफ शब्दों में आप कोई भी ड्यूटी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका मन नहीं है उनकी कप्तानी में काम करने को लेकर, और वो नहीं चाहती कि उनकी यानी कि कविता कौशिक की कप्तानी सफल हो। कविता ने कहा कि आप ये जो कुछ भी कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं, ये किसी भी तरीके से आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, और खाना बनाने से इनकार करना बहुत ही गलत काम है, और आप ऐसी हैं कौन जो खाना बनाने से इनकार कर रही हैं। शक्ति जैसे शो को करने वाली महिला जो बिल्कुल निर्बल है, उनसे इन सब चीजों की मुझे उम्मीद थी भी वैसे, और आप ये फालतू की चीजें करें ही ना, बहुत गलत दिख रही हैं आप। तो वही कविता कौशिक को जवाब देते हुए रुबीना ने भी कहा कि मैं रुबीना दलायक हूँ, और मैंने कहा और मेरा मन नहीं है और मुझे नहीं करना, जो करना है सो करो और मुझसे फालतू बात मत करो। इन दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिलता है और ये दोनों एक दूसरे पर तीखे वार करती हुई दिखाई देती है। तो वही जब दिन आगे बढ़ता है तो रुबीना के पति अभिनव भी कविता कौशिक का विरोध जताते हुए दिन में सो जाते हैं, और कविता जब इस बारे में मना करती है तो अभिनव उनसे लड़ पड़ते हैं, कहते हैं जो करना है सो करो, लेकिन तुमने कहा कि मैं दिखाई नहीं देता हूं, तो अब चाहे मैं घर में बाकी सदस्यों के साथ बैठूं या फिर सो जाऊं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और ये माइक उतारने के बाद तो चलो वापस पहन लेता हूं। कविता ने कहा कि बहुत गलत कर रहे हो और ये बहुत ही ओछा और बुरा तरीका है इस तरीके से बिहेव करने को लेकर के, एक सिंसियर इंसान की तरह बिहेव करो, ये तरीका ना तुम्हारे लिए ठीक है और ना ही मेरे लिए ठीक है। एक दूसरे से बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अब तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरे शांत बिहेवियर को इग्नोर करते हुए मुझे मजबूर किया है कि मैं अपना वो जो रूड बिहेवियर है उसे लेकर आऊं। तुम लोगों ने कहा है कि मैं इस घर की विलन हूं, तो अब मैं दिखाऊंगी कि विलन क्या होता है, और अब तुम मिलो मेरे विलन वाले रूप से। इसके बाद घर में अगले टास्क के बारे में घोषणा की जाती है, जहां पर कविता कौशिक बन जाती है घर की सरपंच और घर की दो बहनें यानी कि जैस्मिन भसीन और रुबीना दलायक के घर के बंटवारे हो जाते हैं और बन जाते हैं दो परिवार। अब परिवार के पास मुद्दा ये होता है कि सरपंच कविता कौशिक के सामने घर के एक एक हिस्से को लेकर अपनी दावेदारी पेश की जाए, और कविता कौशिक को जिसका दावा एकदम सही लगेगा उसे वो हिस्सा दे दिया जाएगा, और जिसके पास घर के सबसे ज्यादा हिस्से होंगे वो कैप्टनसी का दावेदार होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि कैप्टन होगा। जी हाँ, इसके साथ ही घर में बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं। किचन को लेकर सबसे पहले बातचीत होती है, जहां पर रुबीना को लेकर जैस्मिन कहती है कि वो बहुत ही नेगेटिव इंसान है और मैं नहीं चाहती कि किसी नेगेटिव इंसान के पास किचन रहे, क्योंकि किचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाती है, एंड इवन उन्होंने तो ये भी कहा कि वो आपकी कैप्टनसी में काम नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद रुबीना को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि वो मुझे समझ में आ गया है कि क्या चीजें हो रही है, क्या फेक प्लान कर रही है और क्या कुछ करती है वो लड़की, अभी तुम्हारे सामने ये सब चीजें कर रही है, लेकिन ये खुद ही वो इंसान थी जिसने मुझे कहा कि अब कविता की कैप्टनसी को सही नहीं जाने देंगे और अब उसे मजा चखाएंगे। तो अली भी वही है जो इस तरीके की बात कर रहा है। तो कविता ने भी कहा कि जो भी हो मुझे मुद्दा लगा सही जैस्मिन का, तो वो जैस्मिन को किचन अलॉट कर देती हैं। रुबीना का इस पर गुस्सा फूट पड़ता है और वो कविता से कहती हैं कि आप बायस्ड हो रही हैं, और ये साफ तौर पर नजर आता है। कविता अपनी वापस से क्लैरिटी देती है कि अली ने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन की बात का साथ दे रही हूं, क्योंकि मुझे उसकी बात सही लगी। आप अपना मुद्दा अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो जरूर है कि आपको वो चीज मिलेगी। और इस तरीके से बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। शाम के वक्त जब चाय बन रही होती है तो जब एजाज निकी से पूछते हैं कि क्या चाय बना रही हो, तो निकी सीधे शब्दों में जवाब नहीं देती है, वो टास्क को काफी सीरियसली लेती है और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, जो बात एजाज को नहीं जमती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को फेक कहना, भला बुरा कहना इन दोनों के बीच में जारी रहता है। बीच में एंट्री होती है पवित्रा पूनिया की, तो निकी तंबोली उनके साथ भी बुरा व्यवहार करती है, और फिर पवित्रा बताती है कि बहुत ही बचकांड हरकत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, अपनी जुबान को लगाम दो, और वो उन्हें समझाती है कि क्या कुछ गलत कर रही है वो, और इस पर पवित्रा का गुस्सा साफ तौर पर नजर आता है। तो वही निकी तंबोली इन सब चीजों को इग्नोर करते
करते हुए सिर्फ अपना गाती जाती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स तो फाइव न्यूज बाकी दूसरी खबरें अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।